जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी, दिस इज़ बिलाल सरबुलंद। जैसा कि हमने लास्ट टाइम ये डिसाइड किया था कि हम एंड तक लेकर जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे हमने सबसे पहले अपनी कंपनी को फॉर्म करना है, फिर हमने बैंक अकाउंट्स बनाने हैं। तो कंपनी के फॉर्मेशन के लिए जो सबसे पहला स्टेप हमने डिसाइड किया था, वो पहला स्टेप था कि हमें एक नंबर चाहिए, हमें एक फ़ोन नंबर चाहिए है जिस पे हमारा OTP आएगा, जिसमें हमारी बाकी जो है वो कोई पिन अगर आने हैं या हमें कोई कोड आना है तो हमें वो उस पर रिसीव होगा। उसके लिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप VYKEY की ऐप डाउनलोड करेंगे। वो कैसे करेंगे मैं आपको भी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। आप प्ले स्टोर या एप्पल में जाके लिखेंगे VYKEY ऐप, ठीक है। वाइक ऐप पे ये देखें, वाइक सेकंड फ़ोन नंबर आपके पास ये आ गया। आप इसको इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और इंस्टॉल, क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं कि पता नहीं ये कोई फिज़िकल सिम है या ये जो है वो हमें कोरियर से आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक वर्चुअल सिम है जो कि आप जो है वो, लेकिन उसके लिए एक आपके पास जो अपना कोई भी लोकल नंबर है उसको आपको सिर्फ साथ अटैच करना होगा। वो किस तरह से करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। और उसमें यह है कि आपके पास डिफरेंट कंट्रीज़ की इसमें ऑप्शन आ रही है। आप अगर USA में LLC बना रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप USA की LLC के लिए +1 का जो US का नंबर है वो वाइक से इशू करा लें। तकरीबन 15 से 18 डॉलर जो है वो एनुअल इसके चार्जेस हैं, और एनुअल सब्सक्रिप्शन आपको लेनी पड़ती है। और इसमें एक चीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने टाइमली रिन्यूअल करना है, क्योंकि अगर वाइक के सिम जो है वो आपकी वो टाइम पास हो जाए और वो एक्सपायर हो जाए तो वो आप रिकवर नहीं होता वो जो आपका नंबर है दोबारा। सो अगर फ़र्ज़ करें कि ये एक पाकिस्तानी नंबर है, अगर मैं अभी पाकिस्तान में या जिस मुल्क में भी आप हैं, तो ये आपसे सबसे पहले एक ID नंबर मांग रहा है कि वो नंबर दें जिस पे मैं आपको कोड दूंगा। सो फ़र्ज़ करें कि मैं एक नंबर यहाँ पर टाइप करता हूँ, ठीक है, और मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो वो कह रहा है कि वी विल नाउ सेंड एन SMS विद अ पिन टू दिस नंबर। मैंने ओके कर दिया, और उसमें जो है अब वो कह रहा है कि एंटर द पिन कोड। तो वो पिन कोड जो है वो अभी आ रहा है, ये मेरे पास अभी रिसीव होता है, तो मैं इसमें एंटर करके आपको दिखाता हूँ। मेरी कोशिश है सारा प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊं, सो दैट आपको कल को कन्फ्यूज़न ना हो। मुझे रिसीव नहीं हुआ उस पर, वो कह रहा है गेट अ पिन कोड ऑन कॉल, तो मैं कॉल पर ले लेता हूँ पिन कोड। सो कह रहा है यू विल शॉर्टली रिसीव योर पिन वाया अ फ़ोन कॉल। हाँ जी, मुझे कॉल रिसीव हो गई थी और अब मैं पिन कोड एंटर करने लगा हूँ। जी, तो मैंने पिन एंटर किया है, तो इसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशन वाले आपको पेज पे ले आएगा, आप एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और एक्सेप्ट करने के बाद आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, आपने इसको एक्सेस दे दी। अगर आप नहीं भी देना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डोंट अलाउ कर दें और डिवाइस को भी ना दें तो भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये देखें ये स्क्रीन आ गई है। इसके बाद गेट नंबर, हम गेट नंबर पे जाएंगे, ठीक है। सिंपल कंट्री या कुछ भी नाम अपनी आसानी के लिए रख लें। फ़र्ज़ करें आप कहते हैं जी UK लिमिटेड का ये नंबर है। सो यूनाइटेड किंगडम कंट्री आ गई, कंट्री चेंज करना चाहते हैं, कनाडा, फ्रांस, UK, पोलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स की ऑप्शन है। UK में गए, अब ड्यूरेशन है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कम से कम 1 साल का लें, 15.99, ठीक है। सो परचेज विद गूगल पे, जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे और पेमेंट पे आपको वो ले जाएगा और अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पे कर देंगे। और ये आपका +44 के साथ UK का नंबर, यहाँ से सेलेक्ट कर लें यूनाइटेड स्टेट्स, तो +1 के साथ वो आगे आपको स्टेट की ऑप्शन भी दे रहा है, वो आप सेलेक्ट कर लें और आपको +1 का नंबर मिल जाएगा। एक और चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बता दूँ, SMS वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप इससे कॉलिंग करना चाहेंगे तो आपको प्रॉब्लम होती है, उसके लिए आपको VPN यूज़ करना पड़ेगा, फिर आप कॉलिंग ईजीली कर सकते हैं। बट
अगर आपको कॉलिंग की ज़रूरत नहीं है तो ये परफेक्टली चलता है 15.99 पर ईयर आपको इसके चार्जेस हैं। उम्मीद है कि इससे आपको समझ आई होगी। अगली दफ़ा जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में फिर जो है वो अपना यूके लिमिटेड और बाकी की चीज़ें करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।